अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस्केडविज़न में एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होगी। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है इल्म सर्फ। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बातें मेरी और कुछ बातें आपकी। पहले मेरी बात कर लेता हूँ। बहुत से बच्चे हैं जो बाद में, बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से साथी हैं, बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने स्टूडेंट भी हैं जो बहुत तवील अरसे से मुझसे पढ़ते आ रहे हैं। लगभग 2007 13-14-15 सालों से मुझसे पढ़ते आ रहे हैं, वो भी इस वीडियोस को देखते हैं। तो बहरहाल अर्ज करना ये था कि बहुत से लोग हैं जो कमेंट में लिखते हैं, सर क्लास बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फलां फलां फलां, तारीफ़ों को पुल बांध देते हैं, एक चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं जहाँ मैं चढ़ता नहीं हूँ कभी भी। और दूसरा ये है कि कुछ दोस्त हैं जो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं तो व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, क्लासेस कंटिन्यू रखिएगा, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। और कमेंटों की जब मैं तादाद गिनता हूं तो सैकड़ों में उनकी तादाद निकल जाती है। मैं कहता हूं जब कमेंट करके इतनी मेहनत करते हो, इतना लंबा मैसेज टाइप करते हो, तो एक लाइक करने में क्या जाता है? लाइक करने के पैसे लगते हैं ना? तो लाइक करने के आपको पैसे लगते हैं ना लाइक करने से मुझे पैसे मिलते हैं, दोनों से कुछ नहीं होता। पर मुझे अच्छा ज़रूर लगता है कि हाँ लाइक हो रहा है, कि वीडियो को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। तो जब भी वीडियो देखें, वीडियो जैसे ही स्टार्ट हो तो पहला काम ये करें, एक लाइक का बटन दबा दें, ठीक है? आइंदा इस बात का ख्याल रखें। दूसरी बात, इतने व्यूज़ होने के बाद भी, इतनी मेहनत से पढ़ाने के बाद भी, इतनी कोशिश करने के बाद भी, मैंने पहले ही कहा था कि अगर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता रहा तो मैं अच्छी तरह से पढ़ाता रहूँगा, बल्कि आपका कोर्स बहुत ही जल्द कम्प्लीट कर दूँगा और कोशिश के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करूँगा। और जब मुझे लगेगा कि रेस्पॉन्स नेगेटिव है, रेस्पॉन्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हो सकता है मुझे बीच में क्लासेस बंद करनी पड़े। ये बात मैं पहले भी आपको फर्स्ट क्लास में दोहरा चुका था। चूँकि आज एक फर्स्ट चैप्टर आपका कम्प्लीट हो चुका है, मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि हम उर्दू कवायद के बारे में पूरी तफसील से जानेंगे। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है, इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहु, इल्म बयान, इल्म बलागत और इल्म अरूज़। तो इल्म हिजा में जितने भी टॉपिक आते हैं, इल्म हिजा यानी अलिफ बा हुरूफ तहजी को लेकर जितने भी आपके सवाल बन सकते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। यानी आपके 5 टॉपिक में से एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, वो है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ में भी काफ़ी कुछ जानने को आपको मिलेगा। अगर इसी तरह रेस्पॉन्स रहा और आप लोगों ने शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और अप्रिशिएट नहीं किया, अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचाया, और जब मुझे भी लगेगा कि हाँ 100 200 400 500 पर एंड है, ये बच्चों की तादाद यही है, 26 लाख बच्चे जब रीट में बैठते हैं लेकिन इस चैनल को देखने वाले सिर्फ गिने चुने से बच्चे हैं, तो हो सकता है मुझे भी थोड़ा पीछे हटना पड़े। इस चीज़ के लिए मैं माजरत खा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अब रही आपकी बात, ये तो थी मेरी बात। जिन दोस्तों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि जब भी कोई क्लास आए तो मैं आपको कंटिन्यू बता सकूँ। मैं उसमें मैसेज कर देता हूँ कि अगली क्लास का टाइम कब रहेगा, आप सीधे क्लास के उस लिंक पर क्लिक करेंगे और यूट्यूब आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो आपको बेहतर से बेहतर कंटिन्यू टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहें, मैं ये चाहता हूँ, ताकि आपकी क्यूरीज़ वगैरह कंटिन्यू दूर होती रहें। ज़्यादातर मेरी क्लासेस सारी प्रीमियर पर रहती है, तो जिस टाइम मेरी क्लास चल रही होती है उसी टाइम अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको इससे फ़ायदा इतना होगा कि जब आप क्लास चल रही है, जैसे मैंने कहा कि आज रात को 8 बजे आपकी क्लास आने वाली है, और आपने उसी 8 बजे सारे काम छोड़कर अगर आपने क्लास देख ली है, तो आपको इससे फ़ायदा यह होगा कि जब मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ, इस वक्त भी आप जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो नीचे देखें लाइव सेक्शन नीचे ऑन है, लाइव चैट का सेक्शन नीचे ऑन है, जिसमें काफ़ी सारे मैसेजेस आपको मिल जाएंगे, काफ़ी दोस्त आपके नीचे मैसेज कर रहे होंगे, तो उन मैसेज का मैं हाथों हाथ जवाब देता रहता हूँ। यानी पढ़ाते वक्त भी जब कोई सवाल आपका रह जाता है, कोई क्यूरीज रहती है, तो आप हाथों हाथ मुझे लाइव
में बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, मैं आपको हाथों हाथ की चैट में उसका मतलब बता दूंगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा बहुत ज़्यादा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और जब भी क्लास का टाइम हो 8 बजे का, तो सारे काम छोड़कर प्लीज़ उसी टाइम क्लास ज्वाइन करें, ताकि मैं आपकी क्यूरीज़ को, आपके सवालों को हाथों हाथ ही जवाब दे सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि मैं आपकी क्यूरीज़ को हाथों हाथ दूर कर पाया, ठीक है। बाद में कमेंट में, मैं हर वक्त हज़ारों कमेंट रहते हैं, दूसरी 10th क्लास 12th क्लास के बच्चे मुझसे काफ़ी कनेक्टेड हैं, तो सभी के कमेंट के हर वक्त मैं कंटिन्यू जवाब नहीं दे पाता, फिर आपके कमेंट डिले हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप क्या करें, लाइव क्लास जिस वक्त चल रही है 8 बजे का टाइम, सारा काम छोड़कर, अगर आपको लगता है कि 8 बजे का टाइम सूटेबल नहीं है, तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं, इस वीडियो के लास्ट में कमेंट के बताएं कि सर 8 बजे का टाइम सूटेबल नहीं है, तो हो सकता है हम क्लास का टाइम चेंज कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, आपकी मेरी सबकी बात ख़त्म हो गई, बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं, आइए चलते हैं आज के वीडियो की जानिब। इल्म-ए-सर्फ़, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और पांचों ही हिस्सों के बारे में हम आपको बारी बारी डिटेल में, बहुत लंबे चौड़े विस्तृत तौर पे, फैले हुए तौर पे, एक वसी तौर पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 5 हिस्सों में पहला हिस्सा इल्म-ए-हिजा, इल्म-ए-सर्फ़, इल्म-ए-नहू, इल्म-ए-बयान जिसे इल्म-ए-बलागत भी कहते हैं, और इल्म-ए-उरूज़, 5 हिस्से होते हैं। पाँचों में आपको सबसे पहले हरूफ़ के बारे में, दूसरे में लफ्ज़ के बारे में, तीसरे में जुमले के बारे में, चौथे में नसर के बारे में, और पांचवें में नज़्म के बारे में आपको बताएंगे बड़ा डिटेल में। पहला टॉपिक आपका इल्म हिजा कंप्लीट हो गया है। इल्म हिजा से जितने भी सवाल आ सकते थे वो सभी टॉपिक आपके क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हरूफ की तादाद, हरूफ की किस्में, हरूफ की अकसाम, अलग अलग तरीके से लेकर हैयत के अतबार से, उनके नुक्तों के अतबार से, ठीक है, सभी एतबार से आपको बता चुके हैं। सभी बात आपको इजीली समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ आपने सभी नोट्स बना भी लिए होंगे, याद भी कर लिया होगा। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों, वो है इल्म-ए-सर्फ़। क्या है इल्म-ए-सर्फ़, क्या है पढ़ पढ़ के देखते हैं, आपको समझाते चलते हैं। इल्म-ए-सर्फ़ में अल्फाज की बनावट, उनकी तब्दीलियों से नए अल्फाज बनाने के तरीक़ों, और दुरुस्त बोलने और लिखने पर बहस की जाती है, यानी लफ्ज़ वाहिद है या जमा, मुज़क्कर है या मौनस वगैरह। हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ दो या दो से ज़्यादा हरूफ से मिलकर काहनी बनता है, करेक्शन, ठीक है, टाइपिंग में मैं ही करता हूँ, किसी को दोष मत देना, टाइपिंग मैं ही करता हूँ, जल्दबाजी मुझसे करेक्शन रह जाते हैं। हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। ये सवाल आपका इम्तहान में पहले आ चुका है, हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। अब आप तो कहोगे सर हरूफ के मजमूए को तो आपने अबजद बताया था, हरूफ के मजमूए को तो क्या बताया था, अबजद बताया था, यहाँ पर लफ्ज़ कैसे बता रहे हो, कैसे। हरूफ का मजमूआ अगर इस तरह लिखा जाए, अलीफ़, बा, ऐन, गैन, लाम, मीम, ये सब क्या हैं, तो ये कहलाएंगे अबजद। क्या कहलाएंगे, अबजद, क्या कहलाएंगे, अबजद। और अलीफ़, बा, पा, ता, टा, छोटिया, बढ़िया सब कंटिन्यू लिखा जाए तो क्या कहलाएगा, हरूफ तहजी। लेकिन हरूफ का मजमूआ कुछ इस तरह, एक हरूफ है बे प्लस सीन बराबर बस, तो ये हरूफ का मजमूआ है, ये क्या कहलाएगा, लफ्ज़। क्या कहलाएगा, लफ्ज़, क्योंकि हमने इसको जोड़ दिया है, हमने क्या कर दिया, इसे जोड़ दिया है, जोड़ के क्या बना, ये बस, क्या बना, बस। यानी किसी भी हरूफ को, किसी भी हरूफ को, हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। इल्म-ए-सर्फ़ में हम क्या कहेंगे, हम समझेंगे लफ्ज़ की पूरी, क्या कहते हैं, पूरी जांच पड़ताल निकालेंगे। मान लीजिए हमने एक लफ्ज़ लिखा कलम, क्या लिखा, कलम। तो इल्म-ए-सर्फ़ में हम क्या जानेंगे कि कलम किस से मिल मिलकर बना है, खाफ, लाम, मीम से मिलकर बना है। खाफ पर ज़बर है क्या, लाम पर ज़बर है क्या, मीम साकिन है क्या, ये भी पढ़ेंगे।
फिर खाफ लाम मीम को हटा कर इसको अगर हम उल्टा लिखेंगे तो क्या बनेगा? मुल्क। क्या मुल्क कोई सही वर्ड बनेगा? बिल्कुल सही वर्ड नहीं बनेगा। क्या खाफ लाम मीम को आगे जाकर लाफ लाम काफ और मीम बनाएं, लुकुम बन जाता है, क्या कोई सही वर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम हरूफ की हेर फेर बदल को भी, हरूफ की फेर बदल से भी क्या नए लफ्ज़ बनते हैं, हम ये बात भी जानेंगे। उसके बाद क्या जानेंगे? उसके बाद हम जानेंगे कि कलम जो लफ्ज़ है क्या ये वाहिद है या जमा है, एक वचन है या बहुवचन है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, किस तरह लिखा जाता है, मुज़क्कर मुअन्नस, कलम का मुतज़ाद क्या होगा, कलम के मुतरादिफात क्या होते हैं, इसका विलोम शब्द क्या होता है, ऑपोजिट क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, ये सब बातें भी सारी बहस किस में होती है? इल्म सर्फ में। तो कहने की बात ये है कि इल्म सर्फ में लफ्ज़ के ऊपर बहस की जाती है, लफ्ज़ के ऊपर बहस की जाती है। बात समझ गए? ठीक। तो जब इल्मे सर्फ में बहस की जाती है लफ्ज़ के ऊपर, लफ्ज़ के बारे में, तो हम सबसे पहले जानते हैं लफ्ज़ कहते किसे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं लफ्ज़ का मानी और उसकी अकसाम। सबसे पहले लफ्ज़ का मतलब क्या है, उसके बाद उसके अकसाम को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। लफ्ज़ की तारीफ़। लफ्ज़ ख़ुद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है भैया। लफ्ज़ ख़ुद भी एक लफ्ज़ है, और वो भी कौन सी ज़बान का है? अरबी ज़बान का है, जिसका मानी है फेंकना या मुंह से निकालना। लफ्ज़ कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ ख़ुद एक लफ्ज़ है और वो भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये बात आपको दिमाग में याद होनी चाहिए कि लफ्ज़ ख़ुद भी लफ्ज़ है और अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और अरबी ज़बान में लफ्ज़ जो है उसका मतलब होता है फेंकना या मुँह से निकालना। तो हम मुँह से निकालते हैं, लफ्ज़ ही तो है, हम जो भी बात बोलते हैं एक तरह मुँह से निकल तो रहे, मुँह से फेंक तो रहे। दो या दो से ज़ायद हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, लेकिन अकेला नहीं होगा। अकेला है तो क्या है? हरूफ। अकेला है तो क्या है? हरूफ है। दो से ज़्यादा हो, एक से दो हो गए, दा क्या बन गया? दाल अलिफ दा। नहीं बना कोई बात नहीं, दो और लगा दीजिए, टोटल कितने हो गए? चार। कितने हो गए? चार। अब दाल अलिफ दाल अलिफ मिलकर क्या बन गए? दादा। बताइए दादा का कोई मतलब है? हाँ बिल्कुल है, ये दादा क्या हो गया? एक लफ्ज़ हो गया। क्या हो गया है? एक लफ्ज़ हो गया है। लफ्ज़ की दो अकसाम होती है, कलीमा और मुहमल। कलीमा और मुहमल। डीपली समझें, ढंग से समझें बातों को, बहुत ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करें। हम पढ़ रहे हैं इल्म सर्फ। इल्म सर्फ में लफ्ज़ के बारे में बहस होती है, लफ्ज़ के ऊपर बहस होती है। पहली बात, लफ्ज़ का मानी क्या होता है? लफ्ज़ का मानी, लफ्ज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसका मानी होता है फेंकना या मुँह से निकालना, अरबी में इसका मतलब होता है। दो या दो से ज़ायद हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं, और लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, कलिमा और मुहमल। अब लफ्ज़ भी दो तरह के होते हैं, लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं? कलिमा और मुहमल। दोनों का क्या मतलब है? दोनों का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। तो लफ्ज़ की अकसाम कितनी है? लफ्ज़ की अकसाम है दो। लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, एक होता है कलीमा, एक होता है मुहमल। बहुत ही आसान है, आसानी समझ जाओगे, ठीक है, बहुत ईजी है। एक होता है कलीमा, एक होता है मुहमल। अब दोनों की क्या खासियत है, दो नाम क्यों दिए गए हैं, और लफ्ज़ की दोनों किस्में किस तरह की होती है, समझिए। बामानी अल्फाज कवायद की असलाह में मौजू लफ्ज़ या कलीमा कहलाते हैं। इसे मौजू भी कहते हैं, कलीमा को क्या कहते हैं? मौजू भी कहते हैं, और कलीमा भी कहते हैं, कहलाते हैं। और बेमानी अल्फाज मुहम्मल लफ्ज़ कहलाते हैं। जो बामानी होते हैं, जिनका कोई मतलब होता है, वो मौजू कहलाते हैं, जिन्हें कलीमा भी कहते हैं। और जिनका कोई मतलब नहीं होता, उसे मुहम्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहम्मल कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखिए, जैसे मैं लिखा चाय वाय, पानी वानी, रोटी छोटी, किताब विताब। अब आप कहोगे सर चाय ठीक है, वाई क्या होता है, पानी ठीक है, वानी क्या होता है, रोटी ठीक है, छोटी क्या होता है, किताब ठीक है, विताब क्या होता है, अरे क्या होता है,
ये ऐसे होता है जब हम किसी से बात करते हैं, हम आम बोलचाल में बात करते हैं तो हम ये बात कह देते हैं कि भाई कभी चाय वाय पिलाओगे या नहीं पिलाओगे। तो चाय तो पिला देंगे पर वाई कोई पिलाता है क्या? अरे वाई कोई पिलाता है क्या? नहीं पिलाता है। पिला दे चाय है ना भाई, गला वाला सूख रहा है, गला सूख रहा है, कोई पानी वानी पिलाओगे क्या? कोई पानी वानी पूछोगे? नहीं पूछोगे। बहुत भूख लग रही है, कोई रोटी शोटी दे दो भाई। बहुत भूख लग रही है, कोई रोटी शोटी दे दो भाई। अगर इम्तहान में पास होना है तो कभी किताब विताब भी उठाकर देख लीजिए, कभी किताब विताब भी उठाकर देख लीजिए। ऐसे ही बोलते ना, कभी किताब विताब उठाकर भी देख लीजिए। तो किताब ठीक है, विताब क्या है? तो ये है कलिमा और ये है मुहम्मल। जिस लफ्ज़ का कोई मतलब हो, जिस लफ्ज़ का कोई मतलब हो, वो सब क्या कहलाएंगे दोस्तों? वो सब कहलाएंगे कलिमा। वो सब क्या कहलाएंगे? कलिमा। और जिस लफ्ज़ का कोई मतलब ही ना हो लेकिन लिखा जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन मतलब कुछ नहीं है उसका, माना कुछ नहीं है उसका, उसे क्या कहेंगे? मुहम्मल। तो यहाँ पर जो रेड में है ये सब क्या है? ये कलिमा है। ये क्या है? कलिमा। कोई सही वर्ड हो, दुनिया का कोई भी लफ्ज़ हो, क्या कहलाएगा? वो कलिमा ही कहलाएगा। चाय, पानी, रोटी, किताब, जिनका कोई मतलब हो। चाय किसे कहते हैं भाई? दूध शक्कर पत्ती मिलाकर बनाते हैं चाय। पानी किसे कहते हैं? जिससे पूरी दुनिया का निज़ाम चलता है। रोटी खाने की होती है, किताब पढ़ने की होती है। इन सब का मतलब है, ये सब हम जानते हैं, इन सब का मतलब है। लेकिन वाई क्या होता है? सिर्फ वाई अगर लिख दें, बताओ वाई का मतलब होता क्या है? वाणी का मतलब होता क्या है? छोटी का मतलब होता क्या? कुछ मतलब नहीं इनका, कुछ मतलब नहीं है। तो ये वाई, वाणी, छोटी, विताब, ये सब जो बेमाना लफ्ज़ हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, वो है मोहम्मल। क्या है? मोहम्मल। वो क्या है? मोहम्मल। ये मोहम्मल अल्फाज कहलाते हैं, मोहम्मल लफ्ज़ कहलाते हैं। तो लफ्ज़ की दो किस्म हो गई, कलिमा और मोहम्मल। अब कलिमा चूँकि इसका तो मतलब है, तो जिसका मतलब है वो कवायद के एतबार से सही है और कवायद में इसी पर आगे और बहस की जाएगी। और मोहम्मल का ख़ुद का कोई मतलब ही नहीं है, तो मतलब इस पर कोई बहस भी नहीं की जाएगी। बस हमने पहचान लिया कि मोहम्मल कहते किसे हैं और यहीं पर क्या हो जाता है, इसका कोर्स ख़त्म हो जाता है। अब मोहम्मल के आगे बारे में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, मोहम्मल के बारे में कोई बात नहीं होती है, क्योंकि मोहम्मल का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको क्या बताएं और क्या पढ़ाएं और क्या सिखाएं? कलमा का मतलब होता है, कलमा के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। तो लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? दो किस्में होती हैं, कलिमा और मोहम्मल। कलिमा बामानी होता है और मोहम्मल बेमानी होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे कलिमा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कलिमा के बारे में। कलिमा की अकसाम, कितनी अकसाम हैं? तीन, इस्म, फ़ैल और हरूफ। यानी इस दुनिया में जितने भी लफ्ज़ हैं, मेरे मुंह से जितने लफ्ज़ निकल रहे हैं, आप जितने लफ्ज़ सुन पा रहे हैं, दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, कोई वाक्य है, कोई बात है, कोई जुमला है, उस जुमले में सिर्फ क्या होंगे? लफ्ज़ होंगे। क्या होंगे? लफ्ज़ होंगे। लफ्ज़ किससे बनता है? हरूफ से। अलीफ बे मिलकर क्या बना? अब एक क्या है? लफ्ज़ है। अब क्या है? एक लफ्ज़ है। और ये लफ्ज़ किससे बना? अलीफ से और बा से। यानी अलीफ एक हरूफ है, बा एक हरूफ है, और दोनों हरूफ मिलकर क्या बनाते हैं? लफ्ज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लफ्ज़ बनाते हैं। समझ गए? और अब जो एक क्या है? लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ और मिलकर, लफ्ज़ 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 मिलकर क्या बनाते हैं? जुमला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जुमला बनाते हैं। और जुमला क्या है? जुमला क्या है? किसी ज़बान की मुकम्मल इकाई है। किसी ज़बान की क्या है? मुकम्मल इकाई है। और वो क्या है? जुमला है। मैंने आपको बताया था किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या है? किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या कहलाती है? हरूफ कहलाती है। क्या कहलाती है? हरूफ कहलाती है। फिर आपसे पूछा जाए किसी ज़बान की सबसे छोटी बामानी इकाई क्या है? बामानी जिसका मतलब हो, वो है लफ्ज़। क्या है? लफ्ज़। और पूछा जाए किसी ज़बान की मुकम्मल इकाई क्या है, तो क्या है? जुमला। क्या है? जुमला। जैसे मैं चाय पीता हूँ। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? एक जुमला है। ये क्या है? जुमला है। मैं कुछ भी बात बोलूँगा, मैं कुछ भी काम कहूँगा, मैं कुछ भी बात, कोई भी आदेश होगा, कुछ बोलने का होगा, कुछ सुनाने का होगा, मेरे मुंह से निकलने वाली हर बात, इंसान के मुंह से निकलने वाली हर बात क्या होती है? एक जुमला ही होती है। क्या होती है? एक जुमला होती है। वैसे जुमलेबाजी कोई और लोग करते हैं, हर बात क्या होती है? जुमला होती है। उस जुमले में
सिर्फ तीन चीज़ें होंगी उस जुमले किससे बनते हैं, लफ्ज़ों से। मैं एक लफ्ज़ है, चाय एक लफ्ज़ है, पीता एक लफ्ज़ है, हूँ एक लफ्ज़ है। हूँ क्या है? लफ्ज़ है। ये सभी क्या हैं? लफ्ज़ हैं। आपस में सभी क्या हैं? लफ्ज़ हैं। ये सभी लफ्ज़ मिलकर क्या बनाते हैं? एक जुमला बनाते हैं। समझ में आ गई बात? सभी लफ्ज़ मिलकर क्या बनाते हैं? एक जुमला बनाते हैं। इनका भी एक सीक्वेंस है, आगे आपको पढ़ेंगे। तो ये हर जुमला क्या कहलाता है? कलमा कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, हर लफ्ज़ क्या कहलाता है? कलमा कहलाता है। और हर जुमले में सिर्फ तीन चीज़ होंगी, या तो होगा इसम, या होगा फ़ैल, या होगा हर्फ। या होगा हर्फ किस तरह होगा? मैं एक इसम है, चाय एक इसम है, पीता एक इसम है, और हूँ एक इसम है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। मैं क्या है? एक इसम है। चाय क्या है? एक इसम है। पीता क्या है? एक फ़ैल है। हूँ क्या है? ये हर्फ है। हूँ क्या है? ये हर्फ है। कैसे? आइए डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसके बारे में? इस्म के बारे में। इस्म वो कलमा जो अकेला अपना मानी दे लेकिन ज़माने से खाली हो। ऐसा कोई भी लफ्ज़ जो अकेला लिखा जाए और उसका कुछ ना कुछ मतलब हो। उसका कुछ ना कुछ मतलब हो। पेन है, कलम है, टप है, नल है, कुर्सी है, बस है, इंसान है, जानवर है, घोड़ा है, गधा है, फल है, फ्रूट है, ठीक है, सेब है, अनार है। दुनिया का हर लफ्ज़ जो अपने आप में अकेला है, अपने आप में अकेला है, कुछ मतलब देता है। बताइए, आम जानते हैं? आम किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, आम एक फ्रूट है। क्या इससे किसी और की ज़रूरत है कुछ और बताने के लिए? नहीं ज़रूरत है। आम अपने आप में क्या है? एक लफ्ज़ है और मुकम्मल है। और क्या है? मुकम्मल है। लेकिन इसकी पहचान क्या है? ये ज़माने से खाली है। ये ज़माने से क्या है? खाली है। यानी आम लिखने के बाद इससे भूत, भविष्य, वर्तमान यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं चलता। तो जो ज़माने से खाली हो और लफ्ज़ मुकम्मल हो और अपने आप में एक मुकम्मल चीज़ बताता हो, वो कहलाएगा इस्म। क्या कहलाएगा? इस्म। इस लिहाज से दुनिया का हर लफ्ज़ क्या है? अपने आप में इस्म है। दुनिया का हर लफ्ज़ अपने आप में क्या है? इस्म है। जैसे जैसे बिलाल, समीर, अजमेर, किताब वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब को मुस्तकिल कलमा भी कहा जाता है। मुस्तकिल कलमा भी कहा जाता है। मुस्तकिल कहते हैं परमानेंट को। मुस्तकिल कहते हैं परमानेंट को। सुना होगा आपने, मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली, यानी परमानेंटली रिलीविंग वहाँ पर होने लग गए। तो ये तरीका कहलाता है मुस्तकिल कलमा भी, इसे कहते हैं। ये परमानेंट है, इसका कुछ तोड़ नहीं है। ये अपने आप में बताता है। बिलाल एक नाम हो सकता है, समीर एक नाम हो सकता है, अजमेर एक शहर का नाम है, किताब एक वस्तु का, एक चीज़ का नाम है, और इनको दूसरी किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं है। और इन सभी के नाम से पता चलता है कि ये ज़माने से खाली है। यानी सिर्फ अजमेर लिखने से पता नहीं चलता है कि कौन से ज़माने की बात की जा रही है, माजी की, हाल की, या मुस्तकबिल की। तो इस हिसाब से दुनिया का हर लफ्ज़ अपना में क्या है? इसम है। क्या है? इसम है। ये कलमा की अकसाम है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दूसरा है फ़ैल। क्या है? फ़ैल वो कलिमा जो अकेला अपना मानी दे मगर उसमें ज़माना, ज़माने दिया जाए। जैसे लिखा, लिखता है, लिखा था, लिखेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लिखा कुछ भी है नहीं। फ़ैल में क्या है? किसी काम का होना, करना दिखाया जाता है, पता लगता है किससे कोई काम हो रहा है। फ़ैल से क्या पता लगता है? कोई काम हो रहा है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ यानी जाने का काम कर रहा हूँ। मैं चाय पी रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? पीने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, हुसैन दौड़ता है, हुसैन दौड़ता है यानी हुसैन क्या काम कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, आरिफ़ भाग रहा है, मतलब क्या कर रहा है? भागने का काम कर रहा है। ठीक है, अहमद ने जैद को मारा, अहमद ने जैद को मारा, तो उसने क्या काम कर रहा है? मारने का काम कर रहा है, पीटने का काम कर रहा है। तो इस लिहाज से पता लगता है कि फ़ैल किसे कहते हैं? वो कलिमा जो अकेला अपना मानी दे, यानी लिखा, लिखा से पता चलता है लिखने का काम हो रहा है, पता चलता है। लेकिन साथ में क्या पता चलता है? ज़माना पता चलता है। क्या पता चलता है? ज़माना पता चलता है कि लिखा है, लिखा यानी लिख चुका, लिखता है यानी करंटली लिखता है, लिखा था यानी पुरानी बात, और लिखेगा यानी आने वाली बात। इन सभी से ज़माना पता लगता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में पता लगता है। तो ये कहलाएगा फ़ैल। जुमले में ये चीज़ भी क्या है? ज़रूरी है। अब आखिरी जो चीज़ है वो है हर्फ। क्या है? हर्फ वो कलिमा है जो खुद तो बामानी ना हो लेकिन दूसरे अल्फाज को बामानी बना दे। दूसरे अल्फाज को बामानी बना दे।
जैसे ने, से, को, उप, पर वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में, और पर वगैरह वगैरह के बारे में जो लफ्ज़ हैं, ने अपने आप में क्या है, एक लफ्ज़ है, ने अपने आप में क्या है, लफ्ज़ है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ने लिख दूँ तो बताओ ने का कोई मतलब है क्या? ने का कोई मतलब नहीं है, ने का कोई मतलब नहीं है। जैसे सब आम खाया, सब आम खाया, बताओ कुछ कंप्लीट हुआ, कुछ अधूरा लग रहा है, चीज़ पूरी है। सब इसमें है, आम इसमें है, और खाया ये क्या है, फ़ैल है, खाया क्या है, फ़ैल है। तो कमी किसकी है, कमी है ने की, कमी किसकी है, ने की। सब ने आम खाया, तो ये जो ने है ये क्या है, हर्फ, क्या है, हर्फ। सब क्या है, इसमें है, आम क्या है, इसमें है, खाया क्या है, फ़ैल है, और ने क्या है, ने क्या है, ने एक हर्फ है, ने एक हर्फ है। और किसी भी जुमले में बस ये तीन चीज़ ही पाई जाती है मोस्टली, और भी चीज़ें होती हो, मोस्टली ये तीन चीज़ें पाई जाती है। इसलिए हम बताएंगे कि लफ्ज़ की दो अकसाम होती है, कलिमा और मुहम्मल, कलिमा और मुहम्मल, मुहम्मल का कोई मतलब नहीं होता। इस तरह कलिमा की तीन अकसाम होती है, इस्म, फ़ैल और हरूफ। तो हर ज़बान में, हर जुमले में इस्म, फ़ैल और हरूफ पाए जाते हैं, हर्फ पाए जाते हैं, उसके बिना जुमला अधूरा होता है। एक भी चीज़ अधूरी रहने पर जुमला मुकम्मल नहीं होता। हालांकि हर्फ का ख़ुद का कोई माना नहीं होता, मान लीजिए ने लिख दिया जाए, अब आप ने 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 कितने लिखो, कोई अपने आप को मुकम्मल नहीं कर पाए, इन सबको भी ने 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 कर दोगे लेकिन मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे ही अगर आप लिख दिया पर, पर लिख दिया, पर लिख दिया, पर लिख दिया, कितनी बार भी पर लिखोगे मतलब निकलेगा, आप एक बार की जगह 10 बार लिख दोगे लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका अपना कोई माना नहीं है, इसका कोई अपना माना नहीं है, लेकिन ये दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़ जाता है तो उसका माना ज़रूर निकाल देता है, उसका माना ज़रूर निकाल देता है। जैसे हामिद छत पतंग उड़ा रहा, उड़ा रहा, हामिद छत पतंग उड़ा रहा, हामिद छत पतंग उड़ा रहा, क्या कमी है, पर की, किसी कमी है, पर की, हामिद छत पर पतंग उड़ा रहा। अब बिल्कुल सेंटेंस बैठ गया, यानी इसका खुद का पर का अपना कोई वजूद नहीं है, इस पर की अपनी कोई सेमेंट्री नहीं है, इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन किसी जुमले में जब ये लग जाता है तो जुमले का हुलिया ज़रूर सुधार देता है। समझ में आ गई ना बात, जुमले का हुलिया ज़रूर सुधार देता है। हामिद छत पतंग उड़ा रहा कोई सेंटेंस नहीं था, हामिद छत पर पतंग उड़ा रहा है, बिल्कुल सेंटेंस क्या हो गया, कम्प्लीट हो गया इसके होने से। इस तरह हर जुमले में एक इस्म होता है, एक फ़ैल होता है, एक हर्फ होता है, तीन चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, जुमला बनता है। ये तीनों कलिमा की अकसाम है, और कलिमा तीन तरह का होता है, कलिमा की तीन अकसाम है, इस्म, फ़ैल और हर्फ। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और कोई क्यूरी आपके जहन में नहीं रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में या टेलीग्राम पर या पर्सनली चैट पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, रابطہ कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके जवाबों के लिए तैयार रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने घर के भी जितने मोबाइल हैं सभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सर के सब्सक्राइब बढ़ेंगे, ठीक है, और ताकि मुझ में भी हौसला बढ़ता रहेगा, मुझे भी हौसला मिलता रहेगा, और मैं भी आपके लिए ऐसी कोशिशें करता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कॉन्टेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।